और हर शिर्क छोटा हो या बड़ा उसका इंतहा जहन्नम है। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा खौफ शिर्क असगर यानी छोटा शिर्क का है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असगर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिखावे के लिए अमल करना। हदीस फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा खौफ शिर्क असगर छोटे शिर्क का है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असगर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिखावे के लिए अमल करना। कोई भी ऐसा अमल हो, कोई भी नेक अमल हो, है ना, कोई भी कार्य खैर हो, वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। दिखावे के लिए कर रहे हैं यानी अल्लाह को छोड़ के दुनिया का कोई फायदा, दुनिया वालों से दुनिया का कोई फायदा, वाह वाह हो, सलामी हो, दुनिया वाले इज्जत करे, दुनिया वाले मान सम्मान दे, ये करे वो करे, अल्लाह को छोड़ के दूसरों के लिए कोई अमल किया जाए, दूसरों को राजी करने के लिए कोई भी नेक अमल किया जाए, वो नमाज पढ़ी जाए या हज पढ़ी जाए। हज इसलिए पढ़ी जाती है कि हज साहब का उम्र इसलिए किया जाता है कि लोग पैसा वाला समझे, ये है वो है ना। जो भी अमल जिसमें दुनिया का फायदा नजर रख के किया गया है वो, और दीन का अमल है और दुनिया का फायदा नजर रख के किया गया है, तो वो शिर्के असगर है। ये भी एक शिर्क है और हर शिर्क का ठिकाना अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। हर शिर्क का ठिकाना क्या है? अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, है ना। इसलिए हर अमल में अल्लाह अल्लाह और खाली अल्लाह। हाँ, कोई फायदे हासिल होना हो इनडायरेक्टली दूसरी ओर से, उससे कोई फायदे हासिल हो जाए, अल्लाह करा दे, उसकी शोहरत करा दे, ये और बात है। लेकिन शोहरत के लिए किया है, दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए किया है, तो बताया कि ये शिर्क है। ये क्या है? ये शिर्क है, छोटा शिर्क है। और हर शिर्क छोटा हो या बड़ा उसका इंतहा जहन्नम है, उसका इंतहा जहन्नम है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत।